सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर जिसने इस बात को इग्नोर किया ना तो उसका पेपर कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। मैं आपको कुछ टॉपिक लिखे दे रहा हूं, आप केवल यही टॉपिक पढ़ के जाओ, इन्हीं को अच्छे से कर लो। आप ये मान के चलो आप 15 से 17 क्वेश्चन जो है डेफिनेटली बना लोगे इनसे, डेफिनेटली मतलब 100% आ ही रहे। जिसमें सबसे पहला टॉपिक है डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं, रिकॉर्ड है इस बात का। दूसरा टॉपिक आप लिख लीजिएगा सभी लोग, द्विघात समीकरण 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में, 3-4 क्वेश्चन, कभी मूलों की प्रकृति पे, कभी एक मूल दिया है तो मूलों के योग पर, कभी गुणनफल पर, एक मूल दिया है दूसरे मूल पर, या मूल दिए हैं तो समीकरण पर। तीसरे टॉपिक पे आ रहा हूं जिनसे क्वेश्चन आ ही रहे, मतलब डेफिनेटली आने आने, ट्रिग्नोमेट्री 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हर बार। चौथा टॉपिक, इसको मैं नंबर सिस्टम कह देता हूं क्योंकि सिंप्लीफिकेशन इसी में आता है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन इसी में आता है, नंबर सिस्टम 2 से 3 क्वेश्चन, इन 2-3 में एक आपको बॉडमास का मिल ही रहा है, कंफर्म है, मिल रहा है, ठीक। उसके बाद अगर मैं ब्याज की बात कर लेता हूं इंटरेस्ट पे, तो चाहे आपसे सीआई का क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे एसआई का क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, इसका कंफर्म आ रहा है हर एक परीक्षा में। मेरी बात बहुत प्यार से सुन लीजिए, प्लीज लिख लीजिए इसको, ठीक। आगे मैं बात कर लेता हूं, सुनो पहले मेरी बात सुन लो, फिर अपना सब कुछ सब लोग बताते रहना, ठीक है। मैं पिछले 17 तारीख से अभी तक चीजें देख रहा हूं, डेली एनालाइज करता हूं और उस पर थोड़ा सा काम करता हूं, ठीक है, सुन लो मेरी बात इंटरेस्ट पर। इसके बाद आप एक चीज और समझिएगा जिसपे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस पे, जब से फेस का दूसरा चरण शुरू हुआ है, यानी कि सितंबर महीना, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस भी समझ सकते हो या इसी में आप परसेंट भी इंक्लूड कर सकते हो, 2 क्वेश्चन निश्चित मिल ही रहा है हर। अब जरा क्वेश्चन जोड़िए कितना हो गया, 4, 3, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 12, 12 और 2, 14 क्वेश्चन। आप केवल इन टॉपिक्स को पढ़ो, केवल इन टॉपिक को लपक के पढ़ लो, अच्छे से तैयार कर लो, हुसड़ के आप कम से कम 14, मिनिमम 14 क्वेश्चन तो करोगे, अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने सबके मिनिमम वो लिए हैं, अगर मैक्सिमम ले लेंगे तो हो जाएंगे 17 के आसपास, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं अपने उसी क्वेश्चन पर आना चाहता हूं जो क्वेश्चन था अपने।